हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ श्वेता। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी पे बनने वाली मलाई पेड़ा की रेसिपी। ये एक प्रसाद की रेसिपी है। अक्सर जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को इसका भोग लगाया जाता है ज़्यादातर सबके घरों में, माखन का और मलाई पेड़ा का। और इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन के तैयार होती है। इसे आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। और आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर ये मलाई पेड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने एक चम्मच के लगभग डाला है देसी घी और घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दूध। यहाँ पे मैं एक कप, जो चाय की कप होती है उससे मैं एक कप दूध ऐड कर रही हूँ। और साथ में ही मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो बस दूध डालने के बाद इसमें मैंने मिल्क पाउडर भी डाल दिया है और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करके चलाना है ताकि ये काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसे मिक्स करते हुए चलाना है। और थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब ये थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट होगा तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मिल्क पाउडर से मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दी है, ये आधे कप के लगभग शक्कर है। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और इसे आप बहुत इसमें बहुत कम शक्कर भी यूज़ करेंगे तब भी ये बन जाएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ा शक्कर होता है, तो शक्कर बैलेंस करके ही डालना है। और शक्कर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिलाना है और इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी तले में पकड़ना शुरू हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो गया है। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है, इससे आप बहुत ही जल्दी पेड़ा बना सकते हैं फटाफट से। और बस इसे हमें लगातार चलाते हुए बनाना है। और ये जन्माष्टमी के टाइम पे सबके घर में ज़्यादातर ये रेसिपी बनती है, क्योंकि सबको पता है कि कृष्ण कन्हैया को मलाई का और माखन का जो भोग होता है वो बहुत पसंद आता है। तो इसी तरह इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है मिठाई, जो ये पेड़ा बनता है इंस्टेंट मिल्क पाउडर के साथ में। तो देखिए आप, काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी अभी इलायची पाउडर थोड़ा सा, आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। और अभी तो मैंने सिर्फ इलायची पाउडर ही डाला है और मैंने केसर नहीं डाला है। आपको अगर केसर पसंद है या आपके घर पे अवेलेबल है तो आप केसर भी इसमें डाल सकते हैं। और लगातार ऐसे ही हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये तले में बिल्कुल भी पकड़े नहीं, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अभी हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है गैस को, हाई फ्लेम पे नहीं, नहीं तो हाई फ्लेम पे ये जलना शुरू हो जाता है। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अभी भी इसे हमें ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। इस तरीके से आप रबड़ी भी बना सकते हैं मिल्क पाउडर के साथ में, अगर आपको इंस्टेंट रबड़ी बनानी है, इंस्टेंट बर्फ़ी बनानी है या पेड़ा, जो भी। और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से अभी हो चुका है तैयार, क्योंकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा सा गीला आपको लग रहा है, थोड़ा सा इसे और भी हम भूनेंगे तो ये बिल्कुल पेड़ा बनने की तरह से हो जाएगा कि जैसा हमें चाहिए पेड़ा बनाने के लिए, तो बिल्कुल ये वैसा ही हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी पैन में लग नहीं रहा है कहीं भी, ये चलाने पे बिल्कुल
अच्छे से निकल जा रहा है, कहीं भी चिपक नहीं रहा है। तो बस इसे हमें ऐसे ही चलाते रहना है। और यहाँ पे अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तब भी इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही पैन में चलाते रहेंगे गैस बंद होने के बाद भी, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो उसके बाद इसे। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है और गैस बंद करने के बाद मैं लगातार ऐसे चला रही हूँ। और उसके बाद अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी, प्लेट में पेड़ा बनाने के लिए। इस तरह से लगातार चलाने से पेड़ा भी आपका अच्छा बनता है और उसके बाद ये तले में पकड़ता नहीं है, क्योंकि अभी जो ये पैन है ये गर्म है। तो हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है और थोड़ी देर के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और प्लेट में निकालने के बाद इसे हम थोड़ा सा फैला देंगे और चेक कर लेंगे कि अभी ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ही गर्म चाहिए जिससे कि हम पेड़ा आसानी से बना सकें, हमारा हाथ भी ना जले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता को बारीक काट के रख लिया था। आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो पसंद हो आप ले सकते हैं इसमें लगाने के लिए। और थोड़ा सा हाथ पे देसी घी लगा लेंगे। उसके बाद आपको पेड़े का शेप देना है, जितना बड़ा पेड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसमें आप ये निकाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके उसे गोला बना के उसके बाद थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लगाना चाहते हैं वो आप इसमें बीच में लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता को काट के लगाया है। तो बस इसी तरीके से हमें पेड़ा बनाना है। और आप देख सकते हैं ये एक पेड़ा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम और भी पेड़े को बना लेंगे। ये बहुत ही फटाफट बन के तैयार हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार इसे बना के आप ट्राई करिएगा ज़रूर, ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस ऐसे ही मैं सारे पेड़े को बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो बस बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और ये देखिए ये पेड़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है। देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इस रेसिपी को इस बार जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाइएगा, कृष्ण कन्हैया का भोग ज़रूर लगाइएगा इससे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसे बनाने में तो कोई भी कठिनाई नहीं हुई। इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बस इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।